हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास्थली वाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर का फिफ्थ वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, इसके पहले ज्योग्राफी के इस फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर के हम ऑलरेडी फोर वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात की है, साथ ही साथ उसमें हमने देखा कि कैसे क्रॉपिंग पैटर्न होता है। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मेजर क्रॉप्स की। इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स है, जैसे कि ग्रेन्स, अनाज है ना, और मिलेट्स और फाइबर क्रॉप्स, इन जैसे क्रॉप्स की हम शुरुआत आज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि वेरियस टाइप के क्रॉप्स कौन कौन सी इंडिया में उगाई जाती हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, इनके बारे में हमें जानने मिलेगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो का शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी सीजनल क्रॉप्स की, रबी क्रॉप कौन से होते हैं, खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं और जैद क्रॉप कौन से होते हैं, इसकी बात हमने की थी। और आज हम बात करने वाले जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में उनकी बात करेंगे, जो जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं और नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनकी हम बात करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स, तो क्या होते हैं वो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्रॉप्स को स्टडी के बेस पे वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फूड क्रॉप्स और दूसरा होता है नॉन फूड क्रॉप्स, यानी ऐसी क्रॉप जिसे हम अपने फूड का मेन पार्ट बनाते हैं, जिसे हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसे हम फूड क्रॉप कहते हैं, और जिस भी क्रॉप को हम फूड के रूप में इस्तेमाल नहीं करते उसे नॉन फूड क्रॉप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कॉटन एक फसल है लेकिन कॉटन को खाया नहीं जाता, तो वो फूड क्रॉप नहीं है, वो क्या होगा, नॉन फूड क्रॉप। वही बात कर ले हम वीट की या राइस की, तो गेहूं और चावल दोनों क्या है, हमारे भोजन का मुख्य भाग है, यानी हमारे फूड का मेन पार्ट है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फूड क्रॉप कहेंगे। तो यही स्टूडेंट हमें आज पढ़ना है कि फूड क्रॉप में कौन सी होती है, नॉन फूड क्रॉप कौन सी होती है, और एक एक क्रॉप को हम ग्रोइंग कंडीशन की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्रॉप्स के मेनली दो टाइप बताए गए हैं, एक होता है फूड क्रॉप, एक नॉन फूड क्रॉप, यानी भोजन वाला और एक अभोजन वाला, जिसे खाया नहीं जाता। ऐसी क्रॉप जिसे खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे फूड क्रॉप कहते हैं, ऐसी क्रॉप जिसे खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता उसे नॉन फूड क्रॉप कहते हैं। फूड क्रॉप में क्या है, ग्रेन्स यानी कि अनाज, वीट, राइस, मिलेट, मेज है ना, ये सारे जो भी है वो ग्रेन्स हैं। उसके बाद आता है लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस मतलब होता है आप कह सकते हैं पल्सेस वाले, जिसको दलहन कहते हैं, पल्सेस वाले यानी ऐसे क्रॉप जो क्या करते हो, हमें दाल पल्सेस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि हम बात कर लें ग्राम चना की, या फिर पी मटर की है ना, उड़द, मूंग, तुअर, अरहर, जो हमने पढ़ा है ये सारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, मे बी आपने साइंस में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो फिर भी बताते हैं, लेग्यूमिनस वो क्रॉप्स होती हैं जो क्रॉप्स अपने रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, जो रूट में नोड्यूल्स फॉर्म होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा जो राइबोसोम बैक्टीरिया रहता है, राइबोसोम बैक्टीरिया वही उन रूट्स में रहता है, उसी से क्या चलता है, पूरा सिस्टम चलता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात होगी किसकी, फूड क्रॉप्स की। ये तो हमने देखा कि फ्रूट क्रॉप क्या है, ग्रेन्स मतलब अनाज, लेग्यूमिनस का मतलब क्या, लेग्यूमिनस मतलब वो क्रॉप जो क्या हो, अपने रूट्स से क्या करती हो, नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स कराती हो, और इन शॉर्ट लेग्यूमिनस क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो हमें पल्सेस प्रोवाइड करती हो, यानी दाल जिससे मिलती हो। अगर अनाज भोजन खाना मिल रहा है, अनाज है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्स, दाल मिल रही है तो लेग्यूमिनस, और हमें पीने के रूप में जिसे इस्तेमाल करें जिस क्रॉप को, उसे बीवर्ज क्रॉप कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, जिस भी क्रॉप को हम पेय पदार्थ के रूप में, पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया ना, टी और कॉफी, यहाँ दारू महुआ उसकी बात नहीं हो रही है। बीवर्ज क्रॉप का मतलब क्या हो गया, पेय पदार्थ, यानी कि इसे हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टी और कॉफी, तो ये हमारे लिए क्या है, बीवर्ज क्रॉप। बीवर्ज क्रॉप मतलब पेय पदार्थ, ग्रेन मतलब अनाज, और लेग्यूमिनस मतलब वो क्रॉप जिसे हम क्या करते हैं, जिससे दाल यानी कि पल्सेस प्रोवाइड होती है, वो हमारे लिए क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप्स क्या है, नॉन फूड क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप जिन्हें हम फाइबर के रूप में, जब खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि एग्जांपल है फाइबर, फाइबर मतलब क्या, जैसे कि सिल्क हो गया, वो भी एक क्रॉप जैसा है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये भी हम उगाते हैं बट इसे खाया नहीं जाता, इसे क्या किया जाता है, फाइबर के रूप में कपड़ा बनाने में, धागा बनाने में, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए क्या है, फाइबर क्रॉप। स्टूडेंट्स, और भी क्रॉप्स को बांटा गया है, जैसे कि अगर कोई क्रॉप हमारे भोजन का मुख्य भाग है तो उसे हम स्टेपल फूड भी कहते हैं, स्टेपल डाइट भी कहते हैं, जैसे कि राइस कुछ लोग के भोजन का बहुत मेन पार्ट है फूड का, यानी चावल खाते ही खाते हैं, दो में से एक टाइम में चावल चाहिए खाने में, तो उनके लिए राइस क्या हो गया, स्टेपल हो गया। किसी के लिए गेहूं, वीट होता है क्योंकि रोटी चाहिए होता है उन्हें, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग क्या करते हैं, दूसरे क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि प्लांटेशन हो गया, अगर पौधे लगाएंगे पेड़ जैसे, तो उसे हम प्लांटेशन क्रॉप भी कहते हैं।
और स्टूडेंट्स क्रॉप का एक और टाइप होता है कॉमर्शियल क्रॉप भी होता है। कॉमर्शियल क्रॉप मतलब वो क्रॉप जिसे बेचकर हम पैसा कमाए उसे कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। तो कोई भी क्रॉप कॉमर्शियल क्रॉप हो सकती है, अगर वीट को ही क्या किया जाएगा बेचा जाएगा तो किसमें आ जाएगा कॉमर्शियल क्रॉप आ जाएगा। तो ये क्रॉप के वेरियस टाइप्स हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये रखना है कि क्रॉप्स के मेनली दो टाइप है, एक फूड क्रॉप्स दूसरा नॉन फूड क्रॉप्स। ऐसा क्रॉप जिसे हम फूड के रूप में इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए फूड क्रॉप है, ऐसा क्रॉप जिसे हम फूड के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे वो हमारे लिए नॉन फूड क्रॉप्स है। फूड क्रॉप्स में हमने बात की ग्रेन्स की, जो अनाज, लेग्यूमिनस यानी कि पल्सेस दाल, और हमने बात की इसकी बीवर्ज यानी पेय पदार्थ जिसे हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो क्रॉप बीवर्ज क्रॉप होती है। फिर नॉन फूड क्रॉप्स में हमने बात की फाइबर्स की, जी हाँ स्टूडेंट, जिसे हम कपड़ा बनाते हैं, यार्न, धागा बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, जो टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है वो हमारे लिए क्या है नॉन फूड क्रॉप है। तो स्टूडेंट्स मुझे ये समझ में आ गया है कि आपने इतनी जानकारी तो ले ली है कि क्रॉप और में जो भी फूड और नॉन फूड है पूरी जो टाइप से आप समझ चुके होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक एक करके हम क्रॉप्स को पढ़ना शुरू करते हैं कि पहले हमारे ग्रेन्स में जो क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, इन क्रॉप्स की जानकारी हम लेंगे कि वो किस कंडीशन में उगते हैं, उनकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या है, उन्हें किस तरह का टेम्परेचर, किस तरह का सॉइल और कितनी रेन चाहिए, है ना, रेनफॉल कितना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम जानते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। राइस इज वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जी हाँ स्टूडेंट, राइस यानी कि चावल जिसे पैडी भी कहा जाता है वो हमारे मेजर क्रॉप्स का सबसे पहला क्रॉप है। तो क्या है वो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। हम बात करें अगर राइस की तो हम डायरेक्टली इसके ग्रोइंग कंडीशंस की बात करते हैं, इसका राइस प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री फर्स्ट रैंक पर आती है राइस प्रोडक्शन, और इंडिया का रैंक क्या है, और इंडिया का कौन सा स्टेट उस क्रॉप को उगाने में फर्स्ट रैंक पर आता है। तो स्टूडेंट चलिए हम इसी की बात करते हैं। सबसे पहली बात, राइस जो है एक स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल फूड क्रॉप का तो मतलब आप जानते हैं मुख्य भोजन का भाग है ना। बहुत सारे इंडिया में मैक्सिमम पीपल ऐसे हैं जिनके खाने का मुख्य भाग जो है मेन पार्ट है फूड का वो क्या है स्टेपल डाइट, यानी स्टेपल फूड क्या है वो राइस ही है। जी हाँ राइस जो है वो हमारे इंडिया के बहुत से लोगों का मैक्सिमम लोगों का मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन मेजोरिटी ऑफ पीपल का क्या है राइस ही एक मेन क्रॉप है स्टेपल डाइट है। इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। जी याद रखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव में वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि विच क्रॉप इज द स्टेपल फूड और स्टेपल फूड क्रॉप और स्टेपल डाइट फॉर द मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो याद क्या रखना है राइस, राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप फॉर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। दूसरी बात, इंडिया रैंक्स ऑन सेकंड पोजिशन इन द वर्ल्ड फॉर राइस प्रोडक्शन। जी हाँ राइस प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड आता है आफ्टर चाइना। जी हाँ स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन में चाइना का रैंक फर्स्ट है और इंडिया का रैंक सेकंड। इंडिया रैंक्स ऑन सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड फॉर राइस प्रोडक्शन। जी हाँ इंडिया रैंक्स ऑन सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड फॉर राइस प्रोडक्शन। राइस उगाने में भारत का जो पूरे विश्व में स्थान है वो दूसरा है और चाइना का पहला है, चाइना के बाद इंडिया का रैंक सेकंड आता है। जी हाँ स्टूडेंट्स और राइस जो है वो हमारे इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। जी हाँ वेस्ट बंगाल रैंक्स ऑन फर्स्ट पोजीशन इन राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक सेकंड है, चाइना का फर्स्ट है, और पूरे इंडिया में कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पे आता है राइस प्रोडक्शन में, तो वेस्ट बंगाल। जी हाँ स्टूडेंट वेस्ट बंगाल फर्स्ट रैंक पर आता है राइस प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में। आगे देखते हैं कि कौन सा क्रॉप है राइस जो है किस में आता है, खरीफ में, रबी में, जैद में। तो स्टूडेंट्स राइस जो है खरीफ क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है खरीफ, खरीफ क्रॉप है। इसका मतलब क्या, कौन से सीजन में लगाते होंगे इसे, मॉनसून सीजन में यानी कि जून जुलाई में। तो हार्वेस्ट कब कर लेते होंगे इसे, विंटर के स्टार्टिंग के पहले यानी कि स्प्रिंग सीजन के एंड में इसको हार्वेस्ट कर लेते होंगे, काट लेते होंगे सितंबर अक्टूबर। जी हां स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर महीना। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ इसे टेम्परेचर हाई ही चाहिए, राइस को टेम्परेचर हाई चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना हाई चाहिए कि पानी भी ना मिले, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। इसे हाई टेम्परेचर तो चाहिए, कम से कम 25 डिग्री के अबो का टेम्परेचर होना चाहिए। जी हाँ इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट इसे हाई ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबो 100 सेंटीमीटर, और इसकी जो वार्षिक वर्षा होती है बारिश जो होती है ना एवरेज रेनफॉल जिसकी है एनुअल वो कितनी चाहिए, कम से कम 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश इसको चाहिए तो तब जाके राइस उगता है। स्टूडेंट्स अब आप पूछेंगे कि राइस जो बारिश होती है रेनफॉल वो कैसे नापते होंगे, 100 सेंटीमीटर हुई है 200 सेंटीमीटर कैसे नापा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आपके इस बात का भी जवाब हम इस वीडियो में दे देते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या होता है देखा होगा आपने कि जो भी मौसम विज्ञानी केंद्र होता है यानी जहाँ से वेदर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मौसम की जानकारी निकाली जाती है, उन सेंटर्स पे अक्सर बाहर में क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जहाँ पे मौसम की जानकारी निकाली जाती है, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा या गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट होगा साइंटिफिक, ठीक। तो क्या किया जाता है उसके बाहर
एक ऐसा बड़ा सा जार लगाया जाता है। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा केमिस्ट्री के लैब में, आप देखेंगे कि जार के ऊपर ऐसा लिखा होता है ना, यहाँ पे स्केल होती है 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, ठीक, तो ऐसा लिखा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से तो क्या होता है, वो जार बाहर रखा होता है, तो जैसे ही बारिश आती है, यानी कि जैसे आज के दिन मान लीजिए बारिश आएगी, तो इस जार में क्या होगा, पानी गिरेगा, और जब तक बारिश होती रहेगी पानी भरता रहेगा, खुले में जार रखा रहेगा, तो जब जार मान लीजिए इतना पानी भर गया उस जार में, उस दिन इतना पानी भर गया, ठीक है, तो मीटर जाके साइंटिस्ट लोग नापेंगे कि तो 2 cm तक पानी भरा है, यानी आज की जो रेन हुई है, फॉर एग्जांपल टुडे जो रेन हुई है वो कितनी है, टुडे की रेन 2 cm की रेन हुई है। ठीक, ऐसे जितने भी बारिश के मौसम है ना, जितने भी बारिश दिन होती है, जितने भी दिन पूरे मानसून में, जितने भी दोनों महीने 60 दिन में है ना, जून जुलाई अगस्त, जब तक भी बारिश होती है, ऐसा पूरा प्लस करके वो निकालते हैं, रोज का ऐसे प्लस कर ले, किसी दिन 3, ऐसा करके पूरा प्लस निकाल लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो रेनफॉल उनका नाप लेते हैं कि इस साल इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई है। स्टूडेंट्स, आपका मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर जार छोटा होगा तो कम पानी जाएगा, जार बड़ा होगा तो ज्यादा पानी जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर जार बड़ा होगा तो क्या होगा, इसे ज्यादा सरफेस एरिया भी तो घेरना पड़ेगा ना, ज्यादा पानी भी तो उसे भरना पड़ेगा। छोटा जार होगा अगर मान लीजिए, तो क्या होगा, इसमें भी पानी कम ही गिरेगा, ऐसा तो नहीं जल्दी भर जाएगा, क्योंकि कम गिरेगा ना तो कम भरेगा। तो स्टूडेंट, ये तरीका अपनाया जाता है, दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये तरीका 100% एक्यूरेट तो नहीं है, बट फिर भी बारिश को नापने का तरीका सही है। क्योंकि स्टूडेंट्स, एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जहां पर सेंटर है वहां पर बारिश हुई, और कल को जहां सेंटर नहीं है उसके बाजू में दूसरे गांव के आसपास, उसी आसपास किसी तहसील या डिस्ट्रिक्ट में उस एरिया बारिश होगी और यहां पर हुई नहीं, तो ये के पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, जबकि हर गांव वाला तो ऐसा कोई सिस्टम रखता नहीं है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसकी कमी है, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट्स, ये 90% तो हमें करेक्ट डेटा इन्फॉर्मेशन देता है कि इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई है, साल भर में 33 cm बारिश होती है। तो इस तरह से बारिश नापा जाता है, रेन को मेजर किया जाता है। आपको ये आपको बताया ये 100 cm बारिश हुई है, 200 cm बारिश हुई है, ये क्या होती है, आपसे कभी पूछ दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा आना चाहिए। बताइए जो पूरा मेथड हमने बताया आपको, इसी तरह से नापा जाता है बारिश को, रेन को मेजर किया जाता है। तो चलिए, हमने कंडीशन पढ़ ली कि राइस जो एक खरीफ क्रॉप है और इसे उगने के लिए हाई टेम्परेचर, यानी कि इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल अबव 100 cm। जी हाँ, इससे बारिश भी 100 cm से ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए और रेनफॉल भी 100 cm से ज्यादा का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें सब कुछ ज्यादा लग रहा है, टेम्परेचर भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ह्यूमिडिटी मतलब आप समझ लीजिए उमस वाला दिन, उमस यानी उस समय ना ज्यादा धूप हो ना ज्यादा बारिश हो, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूरी कंडीशन है राइस को उगाने की। ठीक, अब आगे देखते हैं कौन सी मिट्टी में ज्यादा अच्छा उग पाता है, कौन सी सॉइल इसको चाहिए। तो इट रिक्वायर्स क्ले सॉइल, जी हाँ, इसे चिकनी मिट्टी वाला जो सॉइल होता है ना, लूमी क्ले सॉइल, ऐसा कुछ सॉइल चाहिए इसको जिसमें अच्छे से उग पाए, क्योंकि क्ले सॉइल जो है वो पानी को रिटेन करके रख सकता है थोड़े समय तक, बहुत ज्यादा समय तक नहीं, ऐसा नहीं कि ब्लैक सॉइल की तरह बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखे, ऐसा भी नहीं, बस क्ले सॉइल जो है थोड़े समय तक पानी को स्टोर कर सकता है, इसलिए क्ले सॉइल में अच्छा उगता है। इट रिक्वायर्स क्ले सॉइल सिंस ग्रोज इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जी हाँ, ये जो राइस है, ये जो हमारी क्रॉप है राइस, स्टेपल फूड जो है, वो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के पार्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है उन प्लेन्स में, क्योंकि वहां पर पूरी एरिया में क्या है, क्ले सॉइल है। जैसे कि हम जानते हैं, आपने 9th क्लास में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ज्योग्राफी चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो भी नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है, हिमालय के अपलिफ्टमेंट से जो फॉर्मेशन हुआ है नॉर्दर्न प्लेन का, वहां पूरी क्ले सॉइल है, ये आपको पता होगा पहले से ही, एल्यूवियम सॉइल है ना, एल्यूवियम डिपॉजिट है, ये आपको पता होगा। तो उसी सॉइल में ज्यादा अच्छे से उग पाता है, और साथ ही साथ ये नदी के किनारे भी पाता है, क्यों, क्योंकि नदी अपने साथ क्या बहा कर लाती है, ऊपर की मिट्टी बहा कर लाती है, और ऊपर की मिट्टी में क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस, क्ले। जी हाँ स्टूडेंट्स, और डेल्टा रीजन, क्योंकि नदी कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र से, तो उस कोस्टल एरिया और डेल्टा रीजन में भी क्या पाया जाता है, यही सॉइल मिलते हैं, वहां पर राइस उग सकता है। तो इट रिक्वायर्स क्ले सॉइल सिंस ग्रोज इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थर्न इंडिया कोस्टल एंड डेल्टा रीजन। जी हाँ, तो राइस कहाँ कहाँ उग जाता है, हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स में, साथ ही साथ डेल्टा रीजन और कोस्टल रीजन में भी हमारा राइस क्रॉप उग जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, क्ले सॉइल प्रेजेंट है। तो ये बात कर दी हमने स्टूडेंट किसकी, राइस की ग्रोइंग कंडीशन की। चलिए आगे देखते हैं इसे और कौन सी कंडीशन चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स रिच एंड एडुकेट वाटर, इसे ढेर सारा और पर्याप्त पानी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे पर्याप्त पानी, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर राइस क्रॉप को पानी की कमी मिल गई, यानी पानी नहीं मिला उसे प्रॉपर, पानी की कमी हो गई, तो क्या होगा, फिर वो अच्छे से उग नहीं पाएगा, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो यही बात यहाँ बताई गई है
इट ऑल्सो रिक्वायर्स रिच एंड एडुकेट वाटर, उसे क्या चाहिए, भरपूर पानी चाहिए। जी हाँ, भरपूर और पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया के कौन से स्टेट्स में ज्यादा उगाया जा सकता है, और ये तो हमने बात कर ली नॉर्थ प्लेन्स की, बट ये कुछ ऐसे भी एरियाज हैं स्टूडेंट्स इंडिया में जहां पर हमें बारिश के अलावा दूसरे मीडियम्स का इस्तेमाल करके, यानी कि आर्टिफिशियल इरीगेशन का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इरीगेशन का मतलब कैनल्स यानी कि नहर, चैनल्स, ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स, इनका इस्तेमाल करके भी हम राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखिए कौन से स्टेट्स हैं। राइस ऑल्सो ग्रोज वेल इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के कुछ पार्ट में, वेस्टर्न यूपी में, पंजाब और हरियाणा में भी क्या हो गया है, अब राइस अच्छे से उगाया जा सकता है। किसकी मदद से? प्रॉपर इरीगेशन थ्रू कैनल्स एंड ट्यूबवेल्स। जी हाँ, कैनल्स यानी कि नहरें, और ट्यूबवेल का मतलब तो आप जानते हैं, जमीन में जब बोरिंग की जाती है, बोर किया जाता है, उसे ही ट्यूबवेल कहते हैं। तो इस मेथड से इन इलाकों में भी राइस उगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली किसकी, राइस की। तो ये बात हो गया राइस की ग्रोइंग कंडीशन की। सबसे पहली बात कि राइस जो है इंडिया, राइस जो है एक स्टेपल फूड है हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी पॉपुलेशन का। दूसरी बात, इंडिया का रैंक जो है सेकंड रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना, जिसमें इंडिया में फर्स्ट रैंक आता है वेस्ट बंगाल का। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक है सेकंड, और वेस्ट बंगाल का रैंक है फर्स्ट इंडियन स्टेट्स में। ये हमने बात कर ली है। तीसरा कि ये खरीफ क्रॉप है, इसे जो कंडीशन चाहिए ग्रोइंग, कैसी कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अबो चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर ज्यादा चाहिए, साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए। और फिर उसके बाद देखेंगे क्ले सॉइल में अच्छा उगता है, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थन ईस्ट पार्ट में, साथ ही साथ डेल्टा तो कोस्टल रीजन में भी। स्टूडेंट्स, इसे रिच और एडुकेट अमाउंट में वाटर भी चाहिए, तब जाके राइस अच्छा उग पाता है। और अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो ये कुछ और पार्ट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी उगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैनल्स एंड ट्यूबवेल्स। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये ग्रोइंग कंडीशन होगी राइस की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पहला मेजर क्रॉप राइस। अब हम बात करेंगे हमारे इंडिया के दूसरे मेजर क्रॉप की, जो की है वीट। स्टूडेंट्स, जिस तरह से राइस के लिए स्पेशल ग्रोइंग कंडीशन थी, उसी प्रकार से वीट के लिए भी कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो क्या है वो, चलिए हम देखते हैं। तो वीट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वही सीजन वाइज, टेम्परेचर, रेनफॉल या सॉइल, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बात किया था कि राइस जो है एक स्टेबल फूड है, तो उसी प्रकार से वीट भी जो है एक स्टेबल फूड है, खासकर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट्स हैं, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में आप समझ सकते हैं किस एरिया की बात हो रही है। ठीक, तो वीट इज ऑल्सो ए स्टेबल फूड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स। जी हाँ, ये भी जो खाने का एक मुख्य भोजन है। इंडिया में दो ही फूड जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, एक वीट और राइस। या तो अधिकतर लोग अपने खाने में चावल शामिल करते हैं, राइस, या फिर अधिकतर लोग अपने खाने में रोटी का इस्तेमाल यानी कि वीट का इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, वीट और राइस दोनों ही क्या है, स्टेबल फूड है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है, राइट है, और सेकंड मोस्ट जो है वो वीट। फर्स्ट मोस्ट कौन सा, राइस, और सेकंड मोस्ट जो है वीट। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वीट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया के कौन से स्टेट का रैंक फर्स्ट है, कौन सा स्टेट ज्यादा वीट प्रोड्यूस कर पाता है। तो इंडिया रैंक्स ऑन फोर्थ पोजीशन इन द वर्ल्ड। जी हाँ, इंडिया जो है पूरे विश्व में चौथा स्थान प्राप्त करता है। राइस प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या था, फोर्थ आता है। इंडिया रैंक्स ऑन फोर्थ पोजीशन इन द वर्ल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट। और रही बात इंडिया में स्टेट्स की, तो जो उत्तर प्रदेश है इंडिया का, वो सबसे आगे है वीट प्रोडक्शन में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। पूरे वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक फोर्थ पोजीशन, और पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश का रैंक फर्स्ट पोजीशन, यही है वीट प्रोडक्शन में। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये हमने बात कर ली किसकी, वीट प्रोडक्शन की। दोनों याद रखिएगा कि इंडिया का स्टेट भी कौन सा रैंक है, किस स्टेट का रैंक है, और इंडिया का रैंक कौन सा है। तो इंडिया का रैंक है पूरे वर्ल्ड में फोर्थ पोजीशन, और उत्तर प्रदेश जो इंडिया का स्टेट है उसका रैंक है पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन। तो याद रखिए, इंडिया का सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कौन सा, उत्तर प्रदेश, और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हमने पढ़ा कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, यही राइस वीट में आगे है। चलिए आगे देखते हैं ये किस सीजन वाला क्रॉप है, इसकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या, उसके बारे में हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, रबी क्रॉप है। इट इज ए रबी क्रॉप। कैसा क्रॉप है ये, रबी क्रॉप है। इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। जी हाँ, इसे ग्रोइंग के लिए कूल सीजन चाहिए, और जब रिपनिंग आता है, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जब ये फसल पकती है, तो उसमें चिलचिलाती धूप चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट, यानी इसको स्टार्टिंग में तो ठंडा वातावरण चाहिए। हम ये बात नहीं कर रहे कि ढेर सारा पानी चाहिए, मॉनसून ही चाहिए। ठंडा का मतलब ये नहीं बर्फ गिर जाए, कूल हो, मॉडरेट जैसा। इट रिक्वायर्स
कूल कंडीशन है, कूल टेम्परेचर, कूल इन्वायरमेंट वाइल ग्रोइंग, जब ये फसल बढ़ रही होती तो कंडीशन कूल चाहिए। स्टूडेंट्स अगर मैंने रबी क्रॉप की बात की, रबी क्रॉप है इसका मतलब कब लगता होगा ये, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, जी हाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस वक्त तो स्टार्टिंग ऑफ विंटर होता है, तो विंटर में क्या होती है, ठंड होती है, तो इसलिए तो हमने बात की किसकी, कूल सीजन की। तो ये ग्रोथ के समय कैसा चाहिए, कूल। और जब इसको हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जब ये पकता है, कब ये, मार्च में, फरवरी मार्च, तो आप मार्च और अप्रैल महीने को जानते हैं वो कौन सा मंथ होता है, जब समर सीजन स्टार्ट होता है, यानी धूप रहती है कड़कती हुई, तो इसे पकने के लिए क्या चाहिए, धूप चाहिए। तो इसकी बहुत ही ग्रोइंग कंडीशन जो परफेक्ट है कौन सी, रबी, इसलिए तो ये रबी क्रॉप है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसका ग्रोथ करना है तो कूल सीजन चाहिए, तब विंटर की स्टार्टिंग हो रही होती है, और जब इसको हार्वेस्ट करना है, पकना रहता है, रिपनिंग, तो धूप चाहिए, और वो कब रहती है, जस्ट समर से पहले, यानी कि जब विंटर सीजन एंड होता है, होली के जस्ट आसपास का जो सीजन होता है, जो मार्च वाला एरिया होता है ना, वही इसके रिपनिंग का टाइम होता है, फरवरी और मार्च। तो जी हाँ स्टूडेंट, यही बात बताई गई है, इट इज ए रबी क्रॉप, इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन, इट इज ए रबी क्रॉप, इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। और क्या चाहिए इसे, ब्राइट सनशाइन चाहिए, खूब चमक चाहिए, चिलचिलाती धूप चाहिए रिपनिंग के वक्त, यानी पकने के वक्त। तो स्टूडेंट्स ये हम तीन बात यहाँ पर ध्यान रख लिए कि ये स्टेपल फूड है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ज्यादा खाया जाता है, ठीक, उन्हीं एरियाज में स्टेपल फूड है। दूसरी बात कि इंडिया का रैंक जो है वीट प्रोडक्शन में वो क्या है, फोर्थ रैंक है, पूरे वर्ल्ड में वीट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, फोर्थ है, और पूरे इंडिया में कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पे आता है वीट प्रोडक्शन में, तो वो है उत्तर प्रदेश, इट रैंक्स ऑन फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया। ठीक, हमने देखा कि ये कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप है, इसे कंडीशन कैसी चाहिए, इट रिक्वायर्स कूल टेम्परेचर, है ना, कूल ग्रोइंग सीजन, इसे कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए कब, रिपनिंग के वक्त, है ना, कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। तो एक कंडीशन याद रखिए, शुरू में टेम्परेचर कम चाहिए होगा और बाद में सेम टेम्परेचर बढ़ता हुआ रहना चाहिए होगा, तो उसी की बात हम करेंगे। इट रिक्वायर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, यानी थोड़ी थोड़ी बारिश चाहिए समय समय नियमित अंतराल पर, ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत सारी बारिश होगी फिर बारिश ही नहीं, तो ऐसा इसको नहीं चाहिए, इसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, थोड़ा 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 रेगुलर टाइम इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा मिलते रहना चाहिए। इट रिक्वायर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ऑफ 50-75 सेंटीमीटर, जी हाँ 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक की बारिश इसे चाहिए होती है नियमित अंतराल पर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़े थोड़े समय पर। इट्स ग्रोइंग सीजन और सुटेबल इरिगेशन, इसके ग्रोइंग सीजन में इसे बारिश चाहिए, रिपनिंग वक्त बारिश नहीं चाहिए, जब एक ग्रोइंग सीजन में होता है, यानी कि जो इसका सीजन होगा अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो सीजन होगा उसमें इसको समय समय पर बारिश चाहिए होगी थोड़ी, और इसे क्या चाहिए होगी बाद में धूप चाहिए होती है, तो या तो बारिश मिल जाए इसे समय समय पर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल मिल जाए, या फिर अगर रेनफॉल नहीं भी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही सुटेबल वेल मैनेज यानी व्यवस्थित तरीके से इसे इरिगेशन दे सकते हैं, यानी बारिश का पानी नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन दे सकते हैं कैनल से, या फिर कैसे दे सकते हैं, ट्यूबवेल से समय समय पर, वो भी परफेक्टली, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी दे दिया कभी फिर पानी नहीं दिए बाद में इरिगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए, सब कुछ कैसा चाहिए, सुटेबल और वेल मैनेज इरिगेशन चाहिए, या फिर वेल मैनेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए इसको उगने के लिए। ठीक, इट रिक्वायर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल 50-75 सेंटीमीटर, राइस के लिए कितना चाहिए था 100 सेंटीमीटर, इसके लिए कितना चाहिए 50-75 सेंटीमीटर, बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नियमित अंतराल पर ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग सीजन, या फिर इसको सुटेबल इरिगेशन भी मिल जाए तो काम बन जाता है इसका। ठीक, इसको टेम्परेचर क्या चाहिए वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स इसे आप बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर सीजन कूल ग्रोइंग है तो पहले टेम्परेचर कैसा चाहिए होगा, कम, फिर ब्राइट सनशाइन चाहिए बाद में तो कैसा चाहिए टेम्परेचर, ज्यादा, तो वही बताया गया यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ 10-50 डिग्री सेंटीग्रेड, जी हाँ 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए, कब, ड्यूरिंग ग्रोथ, है ना, ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ टाइम, जब ये क्रॉप ग्रोथ कर रही होगी, जब वीट ग्रोथ कर रहा होगा तो इसे टेम्परेचर चाहिए होगा 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होगा, और जब इसका ग्रोथ पूरा हो जाएगा यानी कि जब रिपनिंग आएगा, जब इसे पकने का टाइम आएगा, तब इसको टेम्परेचर चाहिए 25-28 डिग्री सेंटीग्रेड, जी हाँ, देन 25-28 डिग्री सेंटीग्रेड एट द टाइम ऑफ रिपनिंग इज रिक्वायर्ड, जी हाँ। तो इसके क्या आवश्यक है, शुरुआत में जब गोइंग पीरियड होगा वीट का तो इसे टेम्परेचर चाहिए होगा 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब रिपनिंग का टाइम आएगा, इस फसल के पकने का टाइम आएगा, तब इसे टेम्परेचर चाहिए होगा 25-28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमने बात कर दी इसकी ग्रोइंग कंडीशंस की, किन कंडीशंस में ग्रो करता है, टेम्परेचर क्या चाहिए, इसके लिए भी क्लेई और लूमी सॉइल ही चाहिए, जी हाँ स्टूडेंट, जैसा हमें राइस के लिए सॉइल चाहिए था बिल्कुल सॉइल इसे भी वही सॉइल चाहिए होती है, बट ये कुछ ब्लैक सॉइल भी उग पाता है, जी हाँ, जो डेक्कन प्लेटू के ब्लैक सॉइल्स है ना उसमें भी उग जाता है।
स्टूडेंट्स, इंडिया में मेनली दो ही रीजन है जहां पर ब्लैक वीट क्रॉप जो है बहुत अच्छे से उग पाती है। एक तो है गंगा सतलज वाला प्लेन, जी हाँ गंगा सतलज प्लेन, वो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश वाला पार्ट, और दूसरा जो डेक्कन पार्ट का जो ब्लैक सॉइल है, जी हाँ डेक्कन पार्ट में जो ब्लैक सॉइल्स पड़ती है, यानी कि आप मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं, उन इलाकों में भी वीट उगाया जा सकता है। तो इसके मेजर जो स्टेट्स होंगे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ऐसे जो स्टेट्स है ना, ये मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी उगता है, बिहार भी हो गया वहां भी उगता है, तो इन कुछ खास पार्ट्स में वीट उगाया जाता है। तो वही हम बात करते हैं, देख लीजिए, द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। जी हाँ, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। स्टूडेंट आपको पहले बता दिए कि वीट ग्रोइंग के दो मेजर एरियाज है इंडिया में। पहला जो एरिया है, पहला जो रीजन है वो कौन सा है, गंगा सतलज प्लेन्स वाला, जिसमें पंजाब हरियाणा वगैरह आता है, जहां गंगा और सतलज रिवर्स बहती है जिस पूरे प्लेन में, वो हमारा कौन सा ग्रोइंग एरिया है, वीट का। और दूसरा मेजर जो वीट ग्रोइंग एरिया है वो है डेक्कन पार्ट वाला, जहां पे पूरी ब्लैक सॉइल्स है, यानी कि कुछ पार्ट राजस्थान का, हमारा कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का, इन्हीं इलाके में क्या उगता है, वीट ग्रो करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात कर ली किसकी, वीट की। तो यहां हमने दो क्रॉप्स की बात कर ली है, एक तो राइस और दूसरा वीट। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स वीट और राइस के बारे में पढ़ लेने के बाद, उनकी ग्रोइंग कंडीशंस को जान लेने के बाद, जो भी टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल रिक्वायर्ड होता है, और किस एरिया में वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और इंडिया का और इंडिया के स्टेट्स का कौन सा रैंक है प्रोडक्शन में उन क्रॉप्स का, ये हमने जान लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरे क्रॉप के टाइप की, जो कि है मिलेट्स। जी हाँ, मिलेट अपने आप में क्रॉप्स नहीं होते हैं, वो क्रॉप के टाइप होते हैं। मिलेट्स के अंदर कई तरह के क्रॉप्स आते हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मिलेट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स मिलेट्स जो होते हैं वो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, इसे कोर्स ग्रेन्स यानी कि मोटा अनाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, मोटा अनाज। कोर्स ग्रेन्स का मतलब क्या होगा, मोटा अनाज, ऐसा अनाज जो थोड़ा सा दूसरे सीड के कंपेयर में, दूसरे जो सीरियल्स होंगे, सीरियल्स अनाज जो होंगे उससे कंपेयर में थोड़ा सा हार्ड सीड होगी, मोटी सीड होगी, बड़ी सीड्स होगी, तो इसे कोर्स ग्रेन कहा जाता है। अब ये कोर्स ग्रेन जो होते हैं, जो मिलेट्स होते हैं, इनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब क्या, इसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व यानी कि विटामिन, मिनरल्स है ना, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इसमें प्रेजेंस पाया जाता है। यानी कि कोर्स ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, मोटा अनाज, यानी कि मिलेट्स। मिलेट्स में एग्जांपल के रूप में हम अगर देखें तो इसमें क्या आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आती है, रागी, ज्वार, ज्वार तो आप जानते होंगे, बाजरा, आपने बाजरे की रोटी भी खाई होगी, रागी का मतलब जानते हैं, रागी का मतलब राई, राई मतलब जो पीला पीला सरसों होता है, सरसों के दाने येलो कलर के होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं सरसों की तरह ही, जो मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है ना, मसाले के रूप में भी इस्तेमाल होता है, कई बार उसकी दूसरी डिशेज भी बनती हैं, तो उसे ही रागी कहा जाता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो इस तरह के सब क्या है, मिलेट्स है। तो इनकी खासियत क्या है स्टूडेंट, ये खासियत ये है कि ये कोर्स गेन कराते हैं, मोटे अनाज। अब ये उगते कैसे, देखिए कुछ ग्रास होती है, उन घास में कुछ बड़े बड़े दाने, सीड्स होते हैं ना, उसे ही मिलेट्स कहा जाता है। जी हाँ, मिलेट्स आर सीडेड ग्रास, है ना, ग्रास विद सीड है ना, उनके पास ऐसे बड़ी बड़ी सीड्स होती हैं, उन्हीं सीड्स को हम क्या कहते हैं, अपना ज्वार, बाजरा, ये सब कहते हैं। तो ये घास की तरह है, ऐसा नहीं कि क्रॉप है, ग्रास का टाइप है। और स्टूडेंट्स आपके लिए एक फैक्ट बता दें कि बैम्बू भी जो है ग्रास है। जी हाँ, बैम्बू, बांस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास है, कोई पेड़ नहीं होता बांस का, बांस खुद में क्या है, घास है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रास। तो उसी तरह से ये भी क्या है, मिलेट भी क्या है, ग्रास की टाइप है, जिसमें सीड होते हैं, ऐसी ग्रास है जिसमें क्या है, सीड है। और इन्हें कोर्स ग्रेन कहते हैं। कोर्स ग्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोटा अनाज है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और तो स्टूडेंट इसे पचाने के लिए, मतलब इसे कंज्यूम करने के लिए, आपने एक बार कोर्स ग्रेन यानी मिलेट्स खाए तो इसे क्या करना होगा, पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी भी लगती है, क्योंकि ये ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, तो इसके पार्टिकल्स को, कार्बोहाइड्रेट जो भी इसमें होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यानी आप अगर ये अनाज खाएंगे तो आपको ज्यादा ताकत लगेगी पचाने में, आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगेगी पचाने में। इसलिए स्टूडेंट्स आपने देखा हो कि ज्वारी या फिर बाजरा की रोटियां जो है वो कम ही खाते हैं लोग, बहुत ज्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि उसे कम खाने से पेट भर जाता है जल्दी, और उसे बहुत ज्यादा नहीं खाया जा सकता है ना। तो मिलेट्स जो है वो कोर्स ग्रेन कहलाते हैं, मोटा अनाज कहलाते हैं, और इनके अंदर हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तरह तरह के विटामिन और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, विटामिन मिनरल्स का प्रेजेंस इसमें है। और स्टूडेंट्स एग्जांपल में हम देखें तो राइस, ज्वार, बाजरा क्या है, एग्जांपल के रूप में है। ये तो जानवरों को भी खिलाया जाता है, आप जानते हैं ज्वार बाजरा भी जानवरों को भी खिलाया जाता है, और ह्यूमंस भी इसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात कर ली मिलेट्स की। स्टूडेंट्स
अक्सर जो स्टूडेंट्स स्टूडेंट बोर्ड है बच्चे जो होते हैं, जो भी चाइल्ड होता है वो अगर अंडर न्यूट्रिशन है या जिसे माल न्यूट्रिशन है, जिसे कुपोषण कहते हैं, वो भी हम इकोनॉमिक्स चैप्टर में कवर अप करेंगे उस टॉपिक को, माल न्यूट्रिशन को, या पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, एक चाइल्ड जो है वो अपनी एज के हिसाब से कम वेट का होता है, यानी कि जितनी उसकी एज होनी चाहिए उसी हिसाब से अगर वेट नहीं है तो उसे अंडर वेट या फिर माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जो माल न्यूट्रिशन होता है उसका मतलब कुपोषण, यानी बच्चा जो बहुत कमजोर होता है। वो आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी हाइट जल्दी नहीं बढ़ती, कम रह जाती है, उनकी हड्डियां ज्यादा दिखती हैं, उनके बॉडी पर फैट्स या मास बहुत कम ही होता है, बहुत पतले दिखते हैं, स्किनी होते हैं ना, तो वो लोग क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन होते हैं। तो ऐसे बच्चों को न्यूट्रिशनल वैल्यूज वाली चीजें खिलाई जाती हैं, यानी पूरक पोषण आहार खिलाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आपने इसके पहले भी इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, जैसे कि कॉर्न फ्लेक्स होता है जिसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, जो खिलाया जाता है नाश्ते के रूप में बच्चों को, अधिकतर है ना लोग ब्रेकफास्ट के रूप में उसे प्रेफर करते हैं खाना, क्यों, क्योंकि उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं। स्टूडेंट्स कोर्स ग्रेन से और भी कई चीजें बनती हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर होता है उसमें भी कोर्स ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्या हो सके, बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है मिल सके, जो फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डर्स होते हैं या हार्डवर्क करने वाले लोग होते हैं जिन्हें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है डेली, वो लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों का कंज्यूम या इनको कंजम्पशन करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो उन्हें जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो मिल जाती है। तो ध्यान क्या रखना है, मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन, दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। स्टूडेंट्स इसके पहले कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, व्हाट आर मिलेट्स, गिव सम एग्जांपल, तो आपको बताना पड़ेगा, मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल रागी, ज्वार, बाजरा, एक्सेट्रा। जी हाँ, तो ये इस तरह से हमारे क्या है, मिलेट्स हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मिलेट्स क्या है, यहाँ पर हमने मिलेट्स का इंट्रोडक्शन ले लिया। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात की इंडिया के मेजर क्रॉप्स की, जिसमें हमने देखा राइस और वीट, और साथ ही साथ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है मिलेट्स का। राइस की हमने ग्रोइंग कंडीशन देखी, हमने वीट का ग्रोइंग कंडीशन देखा, और देखा कि इंडिया का रैंक कौन सा था उसे उगाने में, है ना, ये सारी बातें हमने आज के वीडियो लेक्चर में जानी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, विद्यास्थली वाले सर।